उदय, मेरे साथ डांस करोगे? क्यों? परियों की कहानी में यही होता है ना, एक लड़की अपने शहजादे के साथ डांस करती है। मैं भी अपने शहजादे के साथ डांस करना चाहती हूँ। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे दर्द की दवा, दुख की राहत, मेरे सब कुछ तुम ही हो उदय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया का हॉटेस्ट बैचलर उदयवीर सिंह आज हम सबके साथ है। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। आज हम एक बात कहना चाहते हैं, किस जश्न में कहीं हम प्यार की अहमियत को तो नहीं भूल रहे, क्योंकि सच्चा प्यार कोई बंधन नहीं होता कि उसकी बेड़ियां हमें बांध दे। सच्चा प्यार तो वो होता है जो हमें पंख देता है उड़ने के लिए। इसलिए अपने कुंवारेपन का जश्न जरूर मनाइए, पर इस बात को मत भूलिए कि असली आजादी तो प्यार में ही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। DJ, let's have some music.
तो आखिर तुमने हमसे वो करा के ही छोड़ा जो तुम चाहती थी। तुम इसे सीखा है, जो भी सीखा है बस तुम इसे सीखा है। कमाल है प्रिंसेस, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक रोमांटिक सा दिल है। जब तुमने मुझे ड्रेस दी थी तो ये सिर्फ मेरे लिए ड्रेस नहीं थी उदय, ने मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और एक बार फिर इस ड्रेस ने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर मैं चाहूँ तो दोबारा अपना प्यार पा सकती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर युवराज उदयबीर सिंह को। मे वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। मिस्टर युवराज उदयबीर सिंह, शायद ही वो सपना है जिसे अपनी आंखों में लिए इस देश की हर लड़की रात को सोती है। मगर इन्हें शादी के मंडप तक ले जाना कोई आसान बात नहीं है, और इनकी यही बात आप जैसी हसीनाओं को उम्मीद भी देती है और निराश भी करती है। तभी तो ये है हमारे बैचलर ऑफ द ईयर। सो कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर जी। सो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। वेल, थैंक यू सो मच हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें करने के लिए। सीरियसली, कुछ देर के लिए तो हमें खुद से प्यार हो गया था, पर हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें इस किताब से नवाजा। शायद ये किताब हमारी जिंदगी में बिल्कुल सही वक्त पे आए, जब हम अपनी जिंदगी का एक चैप्टर बंद करके दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम इन राहों पर इतना चले कि अब लगता है मंजिल तो घर पर ही थी। सो गाइस, इस नादान परिंदे का घर जाने का वक्त आ गया, और हमें उम्मीद है कि हमारा सच्चा प्यार भी हमारे घर पे हमारी इंतजार कर रहा होगा। वो हमारी बातें सुन के लग रहा है कि युवराज उदयवीर सिंह भी रोमांटिक बनते जा रहे हैं। कौन कमबख्त कहता है कि रजवाड़ों के पास दिल नहीं होता। Anyways, guys, enjoy the party. Sorry, Jay bhai. हमेशा की तरह तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ गई और सच्चे प्यार की जीत हो गई। जीत तो इस बार हमारी ही होगी विजय भाई, सिर्फ हमारी होगी। हमने इनकी शादी एक बार रुकवाई थी, दोबारा भी रुकवा सकते हैं।
एक प्लान नहीं चला तो क्या हुआ? दूसरा प्लान अभी बाकी है। सुबह थोड़ी जल्दी हो गई ना। यू राइट विजय बन्ना, मे बी क्योंकि किसी को सारी रात नींद ही नहीं आई होगी। तुम्हें पता है हमारी सुबह क्यों जल्दी हो गई? क्योंकि हमें दूसरों की नींद उड़ते देखना बड़ा अच्छा लगता है। सोच रहे थे कि जो ट्रॉफी है ना आपकी, उसे ऑर्गेनाइजर्स को वापस कर देते। आई मीन कल रात के बाद अब आपको उस ट्रॉफी से क्या लेना देना, राइट? छोटी, वो ट्रॉफी अब हमारी है, तुम उन्हें ऐसे लौटा दोगे? हाँ, हो सकता है कि कुछ देर के लिए हम जज्बाती जरूर हो गए थे, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम रातों रात बदल गए। ओके अब मान्यता भाई, कुछ लोग जज्बाती ही बेहतर लगते हैं, आपका क्या ख्याल है इस विषय में? वैसे कल रात तो काफी सारी लड़कियां जज्बाती हो गई होंगी ना, आई मीन कितनों के दिल जो टूट गए हैं। विजय भाई, जब उन लड़कियों को पता चलेगा कि दिल टूटने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि जिस दिल से वो अपना दिल लगाना चाहती थी वो तो कभी खाली नहीं था, तो वो बुरा भी नहीं मानेंगी। मान्यता भाई, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये दिल कभी मार्केट में था ही नहीं? वैसे किसी भी चीज को भुलाना इतना आसान नहीं होता। विजय भाई, भूलना मुश्किल है, माफ करना तो आसान है, और ये तो हर रिश्ते की परीक्षा होती है ना, कि आप दोनों एक दूसरे को माफ करने की हिम्मत रखते हैं। दादा, ऐसे किसी को माफ करने के लिए एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, राइट? यू राइट छोटी, भरोसा भी एक शीशे की तरह ही होता है, एक बार दरार आई नहीं फिर हमेशा चकनाचूर होने का डर लगा रहता है। या दैट्स ट्रू, लेकिन एक नया शीशा भी तो लाया जा सकता है ना। शीशा जैसा भी हो छोटी, लेकिन उसमें अपना चेहरा साफ साफ नजर आना चाहिए। जो शीशे झूठ बोलते हैं वो शीशे किसी काम के नहीं होते। मान्यता भाई, आपको पता है जब दो इंसानों के बीच बहुत सारी बातें होती है ना डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो उन्हें वो बातें अकेले में करनी चाहिए। एक्चुअली यू करेक्ट विजय बन्ना, एक ऐसी जगह पे जहां कोई तीसरा या कोई चौथा कोई भी ना हो इन्हें तंग करने के लिए।
और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऐसी जगह जहां कोई इनके खिलाफ साजिश ना कर सके। वहां यहां तो ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन पति पत्नी और वो का वो बनने के लिए तैयार रहता है। हमें तुम सबसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें लगा कि हम राजकुमारी बनके जो काम नहीं कर सकते वो एटलीस्ट तुम लोग कर सकते हो क्योंकि तुम आम हो। जी क्या हुआ बेब्स? तुम इतना अपसेट क्यों? अपसेट? हम अपसेट नहीं है बेब्स, हम गुस्सा हैं, बहुत बहुत गुस्सा है। तो मान्यता उस पार्टी में पहुंची कैसे? कपड़े क्यों नहीं बर्बाद कर दिए? उसका मेकअप क्यों नहीं खराब किया? उसके उसके हेयरस्टाइल में पानी क्यों नहीं फेंका? अरे कुछ तो करना चाहिए था ना। हम ऐसे बार-बार रेड कार्पेट बिछा-बिछाकर मान्यता मैडम आइए और उदय वीर को दोबारा ले जाइए ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लिसन गर्ल्स, इन केस तुम लोग भूल गए हो मैं फिर दोहराती हूं, हमें उदय और मान्यता को कभी एक नहीं होने देना। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन है। Do you get that? शराबी को बार बार शराब की बोतल दिखाओगे तो वो शराब पीना कैसे छोड़ेगा? मान्यता का नशा भी उदय से तभी छूटेगा जब हम मान्यता को उदय से दूर रखेंगे। राजकुमारी जी आपके लिए जूस। ये जूस पीने का टाइम नहीं है। राजकुमारी जी आप जूस पीने का टाइम बता दीजिए मैं तभी ले आऊंगी। ओ गॉड, जूस पीने का कोई टाइम नहीं होता है। अभी भी तो आपने कहा ये जूस पीने का टाइम है। बाहर जाओ अभी के अभी बाहर जाओ और आप सब भी जाओ। और जब तक हम ना बुलाएं दोबारा मत आइएगा। जाओ जी। जी आप बैंक्वेट हॉल के मैनेजर से कह दीजिए कि ग्राउंड फ्लोर के सारे बैंक्वेट सिंगानियस के लिए बुक करने हैं। या ग्राउंड फ्लोर के सारे बैंक्वेट्स। जी ये सिंगानियस की पार्टी, उनको सारे सारे बैंक्वेट्स चाहिए। या जी मेरी बात सुनिए, ये टॉप क्लास पार्टी है, सारे अरेंजमेंट सिक्योरिटी चेक सब आप ही को देखने हैं। या जी वहां पे मीडिया वाले प्रेस वाले सब आने वाले हैं। हाँ तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ आपसे। आप एक काम कीजिए, मिस्टर शाह से कहिएगा कि मेरा पर्सनल नंबर दे दीजिए उन्हें और कहिएगा कि मुझसे खुद बात कीजिए। हाँ एग्जैक्टली, सारी मीडिया प्रेस सब आने वाले हैं वहां पे। यू हैव टू हैंडल ऑल द अरेंजमेंट्स। हाँ लेकिन सारे अरेंजमेंट। अरे तुम कब भाई, हमने तुम्हें देखा ही नहीं। एक सेकेंड। या आई विल जस्ट कॉल यू बैक। मैं जानती हूँ तूने मुझे देखा इसलिए जान के अनदेखा कर दिया। देख यार ये तमीजदार तरीके से लड़ना बंद करते हैं। लड़ना है ना तो बोल, हो जाए। हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा आता है फिर जो मन में बक देते हैं और जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो साथ साथ सारा गुबार भी बाहर निकल जाएगा। बोलना होता है, हम मुझसे और सब्र नहीं होता। जल्दी बोल,